Hi everyone, hello. और लोग ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मुझे। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मुझे, लिख लो पहले, लिख लो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड। तो यार बात ऐसी है, मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे हैं कि मैं स्प्लिट फिल्म में कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। तो बात ऐसी नहीं है कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बात ऐसी कि शो मैंने नहीं बनाया, और जो शो बना रहा है या बना रहे हैं या बना रही हैं वो मेरी लाइनें काट देते हैं शो एडिट करते हुए, क्योंकि शूटिंग 1 घंटे की नहीं होती जितनी देर का आपका एपिसोड होता है, ठीक है। तो मेरी जो भी अच्छी लाइनें होती हैं, जो भी मैं बातें बोलता हूँ, जो भी मैं पिचेस करता हूँ, जो भी मैं लोगों से बातें करता हूँ, जो भी मेरे साथ बातें होती है किसी की, वो सब काट दिया जाता है शो में। तो भाई ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा पार्ट काटा जा रहा है और मुझे नहीं दिखाना चाहते शो वाले, जस्ट बिकॉज मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और एक और रीज़न है जो वो नेक्स्ट हफ्ते मैं रिवील करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो मैं चाहूँगा कि दोबारा मेरे को कोई डीएम ना करे ये पूछते हुए कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोलता मैं सब कुछ हूँ, टीवी पर नहीं दिखाया जाता। अब नहीं दिखा रहे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लास्ट डोम सेशन की बात करेंगे। तो तुम्हें को क्या लगता है लास्ट डोम सेशन में जब मैं आउट होने वाला था तो क्या हुआ था, कमेंट करो। तो यार पिछले डोम सेशन की बात है, ठीक है। जशवंत और आकृति बने थे आइडियल मैच, और उन्होंने एरिका के लिए वोट आउट किया था कि एरिका बाहर जाए शो से। और मुझे याद नहीं दौलत राजा के लिए किसने किया था, पर दौलत राजा के लिए भी किया था उन्होंने। तो दौलत राजा और एरिका बाहर जा रहे थे और मेरा नाम लिख दिया था नायरा ने अपने कार्ड पे, जो कि शिवेद के साथ बैठी थी, और रिगडन का नाम लिखा था उसने, रुशाली ने। तो बात ऐसी है कि लास्ट में इस पर आ गया था कि लास्ट में रिगडन निकल रहा था 100%। नहीं रिगडन नहीं, सॉरी किसका किसका नाम था, रिगडन, मैं, निधि और दौलत राजा। तो दौलत राजा और एरिका का फिक्स हो चुका था निकलना। अब निधि, रिगडन और मुझ में से कोई एक बंदा निकलने वाला था, और वो अनसेफ साइड वाले लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। और उसके लिए वोटिंग कराई गई। तो वोटिंग में वोट्स आए सारे किसके खिलाफ, निधि के खिलाफ, 7 वोट्स, 4 वोट्स अगेंस्ट रिगडन एंड 3 वोट्स अगेंस्ट मी। तो भाई श्वेत ने एक रील डाली थी जिसमें श्वेत ने बोला था एपिसोड में कि भाई कोई मेरा जो दोस्त अपना, जो मुझे अपना दोस्त मानता, श्वेत ने कहा वो आयुष्मान का नाम मत लिखना अपने कार्ड पे, सब बताऊंगा भाई। तो यार बात ऐसी है कि श्वेत ने अपना वर्ड तो रखा, क्योंकि मैंने अनिका को सेव किया था और उसने कहा था कि क्या बोलते हैं, अगर मैं अनिका को नहीं निकालता हूँ तो वो उसके कार्ड पे मेरा नाम नहीं होगा, वो बात ठीक है।
लेकिन अनसेफ साइड पे पूरे एग्जाइल वाले थे, और हम स्प्रिट्स विला से सिर्फ जो विला के हम लोग मेन विला के थे वो सब सिर्फ मैं, देवकरण, एडी और अनिकेत, हम चार थे। नायरा से मेरी अलग से बात हुई थी। नायरा ने ये बताया, मेरा नाम उसने इसलिए लिखा था, उसने कहा था एपिसोड में कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था मेरा नाम लिखने का, लेकिन उसने रीज़न ये बताया कि जब नाम लिखने की बारी आई थी तो श्वेत ने नायरा को कहा था कि देवकरण, एडी और अनिकेत जो राइट के तीन बंदे हैं इनको छोड़ के जिसका नाम लिखना लिख दे। ऑब्वियसली नायरा एग्जाइल वालों का नाम नहीं लिखती, तो मेरा नाम ही लिखने वाली थी। तो यार अगर नाम नहीं लिखवाना था कार्ड पे तो आप उसी समय, मतलब चलो ठीक है वो गेम है, श्वेत ने अपना फेवर रिटर्न किया मुझे, लेकिन श्वेत ने एक रील डाली थी जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाई श्वेत के बोलने से लोगों ने मेरा नाम नहीं लिखा, क्योंकि मेरी पिच नहीं दिखाई गई एपिसोड में। ये थी वो रील। ये रील डाली थी श्वेत ने, एक दे दिया। तो ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात थी कि श्वेत ने मेरे लिए एक पिच लिया, मेरी एक साइड ली, बैक ली, सपोर्ट लिया वहां पे, जिसकी वजह से लोगों को एक और रीज़न मिला मेरा नाम नहीं लिखने का। लेकिन लोगों को ऐसा दिख रहा है कि श्वेत ने सिर्फ मेरा नाम ले लिया और वो एक लौता रीज़न था जिस वजह से लोगों ने मेरा नाम नहीं लिखा अपने कार्ड पर। तो बात नहीं थी यार, श्वेत ने तो बढ़िया किया, वो तो ठीक है, उसने अपना सपोर्ट रखा, जो उसने वर्ड दिया था वो उसने रखा। पर यार रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ श्वेत ने बोल दिया कि आयुष्मान को मत निकालो तो लोग मेरा नाम नहीं लिख रहे, ये बात नहीं है। बात ये थी कि मैंने पिच किया था वहाँ पर और बहुत अच्छी पिच रखी थी मैंने, और उस टाइम तक विला में मेरे सबके साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे बन चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, सबके साथ। एक्चुअली कितने लोग थे वहाँ पे, खनक, अदित, दोनों से मेरा अच्छा था, आरडी से मेरा अच्छा था, कशिश से मैंने वहाँ पे थोड़ा सॉरी वगैरह उसको बोला था कि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमें सॉल्व कर लेनी चाहिए, और मुझे भी तेरे से कोई बीफ नहीं है और तू भी मत रख कोई बीफ, तो हमारा नॉर्मल हो गया था। तो कशिश ने भी मेरा नाम नहीं लिखा था। देव और अमेहा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लक्ष्य मेरा अच्छा दोस्त है, वहाँ पे जितने खड़े थे उनमें से काफ़ी सारे मेरे अच्छे दोस्त थे जिन्होंने इस वजह से मेरा नाम नहीं लिखा, क्योंकि मैं सबसे बात करता था अच्छे तरीके से। उस टाइम तक मैंने रेविला में सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे, और मैंने एक पिच रखी थी जो एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया, जिसके कारण लोगों ने मेरा नाम नहीं लिखाया वहाँ पे, और निधि का नाम लिखा गया, क्योंकि निधि ने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था कि वो उसको लग रहा वो निकलने वाली है, क्योंकि यार उसको भी पता था कि हम में से आपस में किसके रिलेशन बेटर है सबके साथ। तो यही मेरे को बताना था कि जो श्वेत ने बोला था सिर्फ वो रीज़न नहीं था, मेरी एक पिच भी थी जो एपिसोड में काट दी गई, जिसके कारण मैं उस डोम सेशन में बाहर नहीं निकला, और उस डोम सेशन में मेरे अगेंस्ट सिर्फ 3 वोट आए थे। और अगर श्वेत के सिर्फ बोलने से होता तो देवांगिनी श्वेत की बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन देवांगिनी ने मेरा नाम लिखा था निकालने के लिए, तो ठीक है मेरे अगेंस्ट 3 वोट आए थे, देवांगिनी, इशिता, इशिता क्योंकि मैंने उसको निकाला था तो फेयर है, इशिता की कोई गलती नहीं है, और तीसरा वोट सचिन था, सचिन का मुझे रीज़न नहीं पता, पर ठीक है। तो ये बताना था मुझे, व्हाट डिड आई से इन दैट पिच, कोई पूछ रहा है व्हाट डिड यू से इन दैट पिच, यार आई सेड कि आज के दिन मैं, मेरे साथ जो भी खड़ा रहेगा फ्यूचर में, मैं उसको अपना वर्ड दे रहा हूँ कि जो भी आज मेरे सपोर्ट में रहेगा मैं उसके सपोर्ट में हमेशा रहूँगा आगे। ये मैंने बात बोली थी, और भी कई कई चीज़ें बोली थी, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन मेरी पिच सबको बढ़िया लगी थी। You seems nice, why all of them target you? यार कोई टारगेट नहीं कर रहा है मेरे को अब, ठीक है, अब अगर ढंग से एपिसोड देखो, एक्चुअली मुझे तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम ये है, अब पता नहीं क्यों बुलाया गया था शो पे, इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन एक दो हफ्ते बाद बताऊँगा, अभी से नहीं बता सकता मैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं चुप रहता हूँ शो में, शो में मैंने बहुत बातें बोली हैं, वो काट दी जाती है तो तुम लोग को लग रहा है मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ बोलने की ज़रूरत है उधर मैं ज़रूर बोलता हूँ। वो पार्ट कट कर दिया जाता है तो तुम लोग को ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, ताकि मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए, और ध्यान सिर्फ 3-4 लोगों पे ही जा रहा है।
ठीक है, तो ये बात है यार मुझे क्लियर करनी थी, किसी की तरफ कोई हेट नहीं है इसके थ्रू, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि टीवी शो वाले मेरा पार्ट काट रहे हैं, इस वजह से जो बातें मैं बोलता हूँ वो नहीं दिखाई जा रही है, और इस वजह से मेरे रीजंस भी नहीं समझ में आ रहे तुम लोग को कि मैं क्यों शो में हूँ, क्यों गया, कोई मेरे को मैसेज कर रहा है कि आप शो सिर्फ देखने गए थे क्या, बात क्यों नहीं करते हो, अपने लिए स्टैंड लिया करो, अपने लिए ये किया करो। अरे भाई मेरे को पता है अच्छे से, ठीक है, मैं कोई चूतिया नहीं हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ तो शो में पहुँचा हूँ तो कुछ मैं हूँ इसीलिए पहुँचा हूँ, ठीक है, एक पर्सनैलिटी है, एक अपने बात रखनी आती है इसलिए वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पर हर इंसान की एक अलग अलग पर्सनैलिटी थी, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अब वो शो के एडिटर की मर्जी है कि वो किसको दिखाना चाहता है किसको नहीं, तो कांट हेल्प इट। रोडीज का नहीं पता भाई मुझे, मैं रोडीज करूंगा या नहीं करूंगा। अरे यार कोई टेंशन की बात थोड़ी है कि स्प्रिट्सविला में कनेक्शन नहीं बना, मतलब दुनिया में सिर्फ स्प्रिट्सविला में लड़कियां हैं क्या साले? सब लोग स्प्रिट्सविला में कनेक्शन क्यों नहीं बना, स्प्रिट्सविला में कनेक्शन क्यों नहीं बना? अरे नहीं बनाना था भाई, ये बात नहीं कि भाव नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि मुझे मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो कनेक्शन मेरे को नहीं बनाना था इसलिए मेरा नहीं बना, स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज हो गया, उसके बाद जो लड़कियां बची थी उनके साथ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कनेक्शन बनाने में, तो मैं बस वेट कर रहा था कि अगर कोई कपल जो कोई लड़की हो और कोई कपल अगर टूटता तो उनमें से मैं किसी के साथ कनेक्शन बनाता, बस ये बात है, इसलिए मैं सिंगल चल रहा हूँ शो में अभी तक। कोई टेंशन नहीं है, स्प्लिट्सविला के बाहर भी बहुत बड़ी लाइफ है, वहां पे जो आप लोगों की पर्सनैलिटी देखते हो वो जरूरी नहीं कि वो उनकी रियल पर्सनैलिटी हो। हाँ, क्योंकि रीजन ये है कि यार आपको वो बिग बॉस जैसे 24/7 अनकट नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि क्या चल रहा है शो में, बंदा पूरा आपको दिखेगा कि कैसा है क्या है, वो नहीं दिखता है, वो बिग बॉस में दिखता है। बिग बॉस में तो मैं दिख सकता है बंदा कैसा है असली में, वहां पे वो दिख भी जाएगा, स्प्लिट्सविला में नहीं दिख सकता। स्प्लिट्सविला में कैमरा आते ही लोग चेंज हो जाते हैं सामने कैमरे के, ठीक है, और जो नहीं होता उसको दिखाते नहीं है। चलो यार नीचे क्वेश्चन बॉक्स में डाल दो अपने क्वेश्चन, मैं जवाब देता हूँ। इज द होल शो स्क्रिप्टेड? नो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, द शो स्प्लिट्सविला इज नॉट स्क्रिप्टेड, सारे कंटेस्टेंट जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ ये बात है कि कई कंटेस्टेंट्स को पहले से पता होता है कि कौन आ रहा है बाहर से, तो वो पहले से सोच के कुछ लोग आ जाते हैं कि किसके साथ कनेक्शन बनाएंगे शायद, तो उसको आप स्क्रिप्टेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन शो वाले जैसे ही उस शो की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं ना, कटिंग करके एपिसोड की, जिसको विलन दिखाना चाहते हैं उसको विलन दिखा सकते हैं, जिसको अच्छा दिखाना चाहते हैं उसको अच्छा दिखा सकते हैं। मेरा अच्छा पार्ट नहीं दिखाया जा रहा है, मेरा सिर्फ बेकार बेकार चीज़ें दिखाई जाती है। तो अब जैसे लास्ट एपिसोड जो मसाज और वो सब जो सेंसेस वाला चैलेंज था, उसमें देवांगिनी का जब चांस आया था तो उसको टच वाले सेंस में मुझे भेजा गया था, जहाँ पे मैंने उसको ऐसे टक टक करके, मतलब यार थोड़ा मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मैंने उसको हैंड मसाज ऐसे दी थी, ठीक है, तो उतना समझ में आ जाता, देवांगिनी को समझ में आ गया था कि वो मैं नहीं, उसने कहा था, क्योंकि दिव्यांश इतना सेंसिटिविटी, मतलब इतना वो क्या बोला था उसने, इतना सेंसिटिव नहीं है, इतना आराम से नहीं करता इतना कुछ भी, तो क्या बोलते हैं, देवांगिनी ने ये बात बोली थी कि बहुत लड़की टाइप के सॉफ्ट हाथ थे, ये बात उसने कही थी, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हाथ थे, बहुत डेलिकेट से लड़कियों जैसे हाथ थे जब उसको मैंने हैंड मसाज दी थी। बाद में जब उससे पूछा गया हु डू यू थिंक वॉज योर फर्स्ट क्वीज, जो पहले आया था तुम्हें मसाज देने, तो उसने मेरा नाम लिया था आयुष्मान, क्योंकि मैंने पहले ही शायद सब लोग को बता दिया था कि मेरे हाथ सॉफ्ट है, तो अगर किसी को कंफ्यूज करना तो भेज सकते हैं। तो जब सनी लियोनी को रुशाली मसाज दे रही थी तो सनी लियोनी ने बोला कि दोज हैंड्स आर सो सॉफ्ट और ये वो कुछ, तो उन्होंने बोला आई होप इट्स नॉट आयुष्मान, तो एक फनी वे में बोला गया था, लेकिन वहां पे वो नहीं दिखाया गया कि पहले क्या बातें हुई थी, बस ये दिखा दिया गया कि सनी लियोनी ने बोला कि आई होप इट्स नॉट आयुष्मान, रीजन नहीं दिखाया जाता। तो यार मेरा अच्छा पार्ट काट दिया जाता है, बुरा पार्ट दिखाते रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। और लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं शो में अलग दिखता हूँ, यहाँ अलग दिखता हूँ, रियल इंस्टाग्राम पे अलग दिखता हूँ, तो भाई शो में मैं अलग दिख रहा था, सीधी बात है, मेरी बॉडी बहुत ख़राब हुई पड़ी थी उस टाइम, बहुत लंबी कहानी है उसके पीछे, मैं अपने घर से नहीं गया था, मैं पहला बंदा हूँ जो बिना सूटकेस के गया था स्प्लिट्सविला में, ठीक है, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैंने वहाँ जाके शॉपिंग की है, मेरी बॉडी भी ख़राब हो चुकी थी और मैं बीमार था ऑलरेडी जब मैं स्प्लिट्सविला गया। स्प्लिट्सविला के शूट के एक दिन पहले मुझे बताया गया कि मैं सिलेक्ट हुआ, तो भाई 24 घंटा भी नहीं था मेरे पास, उतने उससे भी कम नोटिस में मैं 10-12 घंटे के नोटिस में मैं गया हूँ स्प्लिट्सविला में। तो वही बड़ी बात है कि मैं गया, लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिला है मुझे,
टीवी शोज के बारे में, नई चीजें एक्सप्लोर की है मैंने, मुझे बहुत मजा आया शो में। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें जो टीवी पे दिख रहा है वही वही है, जो कैमरे पे जितना पार्ट दिख रहा है वो पार्ट बोरिंग होता है। मैं तो बोलूंगा अगर ऑफ कैमरा वाली चीजें दिखने लग गई ना शो, मतलब इतना हाई जाएगा टीआरपी में कि तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो मेन मजा था वो ऑफ कैमरा था, जब हर कोई रियल रहता था, जब हर कोई लड़के मजे करते थे अपने, लड़कियां 30 दिन तक 30 लोगों के पास फोन नहीं है, ये बात सोचो। चलो यार थोड़े कमेंट्स पढ़ लेते हैं। नहीं दे रहा स्क्रीन टाइम भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है मैंने बस जाके वहाँ अपनी बॉडी खराब कराई है। यार कोई प्लान नहीं है, मैं स्प्लिट्स वाला भी कोई प्लान करके नहीं गया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्प्लिट्स वाला जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई मैं प्लान करके मैंने ऐसा आगे से अप्रोच नहीं किया था स्प्लिट्स वाला को। स्प्लिट्स वाला की टीम ने मुझे अप्रोच किया था कि स्प्लिट्स वाला में आओ ऑडिशन दो, एक एजेंट ने अप्रोच किया था। स्प्लिट्स वाला के लिए काम करते हैं एजेंट्स, वो लोग अप्रोच करते हैं आपको, ढूंढते हैं स्प्लिट्स वाला के लिए कंटेस्टेंट्स ढूंढते हैं, तो वहाँ से मुझे अप्रोच आया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं स्प्लिट्स वाला में इस साल जाऊंगा, मैं कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई रेडी नहीं था। मैंने स्प्लिट्स वाला शो भी नहीं देखा था, पहली बात, मैंने देखे थे लेकिन कुछ एपिसोड्स, मेरे को डंपिंग का और ये सब का आइडिया नहीं था कि डंपिंग होती कैसे है या कनेक्शन बनता है तो किसके साथ बना सकते हैं। मुझे लगता था फर्स्ट कनेक्शन जो बनाया वो एंड तक टिकाना पड़ेगा और कनेक्शन चेंज नहीं हो सकता, तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं अनप्रिपेयर्ड गया हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। बाकी लोगों को एक एक महीना पहले से बताया गया था कि स्प्लिट्स वाला में वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सर क्वेश्चंस आ गए 70-80, अब मैं जवाब देना चालू करता हूँ। Is the whole show scripted? No, it's not scripted. What happened with the company you were partnered up with? Is it true that RD is going to dump you? भाई मैं कोई भी spoiler क्यों दूँ, और मैं dump हो रहा हूँ भी कि नहीं हो रहा हूँ वो भी तुम लोग को मैं क्यों बताऊँ। हो सकता है RD dump हो जाए, हो सकता है मैं dump हो जाऊँ, हो सकता है कोई और dump हो जाए, हो सकता है तुम लोग को जो लग रहा है जीतेगा वो भी dump हो जाए। कुछ नहीं है ऐसा spoiler, कैसे पता चलेगा किसी को कौन dump हो रहा है पहले से जब तक आया नहीं है टीवी पर। The show is not doing you right, yes I know that. अबे नहीं दिखा रहे तो नहीं दिखा रहे, अब तुम लोग ना मेरा दिमाग मत खाओ कि आपको क्यों नहीं दिखा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। स्प्लिट्स वाला से ऊपर भी लाइफ है, सिर्फ स्प्लिट्स वाला जिंदगी है क्या? तुम लोग वहाँ से जान गए, मुझे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं सिर्फ स्प्लिट्स वाला में नहीं दिख रहा हूँ तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है। I wanna know what happened to you. आगे पढ़ के मैं जवाब दे रहा हूँ तुम लोग क्या। यू एंड कशिश एन आइडियल मैच? नहीं यार बिल्कुल नहीं। Who will win? Skincare डालूंगा मैं, skincare है ही नहीं क्योंकि। Are you gonna be eliminated soon? देखते रहो शो पता चलेगा। Is Aniket your friend? Yeah, he's a friend. तभी उसने मेरे लिए वोट आउट नहीं किया था क्योंकि मेरी और अनिकेत की दोस्ती हो चुकी थी और वो पार्ट भी नहीं दिखाया गया। मतलब तुम लोग को दिखेगा यार जब युवराज और अरबाज जस्ट वापस आते हैं, नाक ठीक होती है जब उनकी, तो मैं और अनिकेत और रूरू बैठे थे और अनिकेत मेरे कंधे में हाथ डाल के बैठा था। तो भाई ऐसा नहीं था कि फर्स्ट एपिसोड में जो हमारी दुश्मनी दिखाई गई वो 10th एपिसोड तक थी, क्योंकि नहीं थी, 9th-8th एपिसोड में हमारा ठीक हो चुका था तब तक। क्योंकि ऑफ कैमरा इतने घंटे होते हैं कि हम उसमें भी टाइम स्पेंड करते हैं ना यार। कैमरा ऑफ हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बात करना बंद कर देते, तब भी हमारी बातें हो रही होती, तब भी रिलेशंस चेंज हो रहे होते हैं, अच्छे बन रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं लोगों के। या कुछ या आईडी के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? यू फ्रेंड विद आदित्य मिनोचा शो में? हाँ हम दोस्त थे, बाहर आके नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई है। ठीक है यार, बिग फैन थैंक यू। योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्प्लिट्सविला युवराज।
यू डिडंट फाइंड समवन अट्रैक्टिव इन स्प्लिट्स. इतना भी कोई अट्रैक्टिव नहीं लगी यार मेरे को स्प्लिट्स वाला में. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब मिस इंडिया बुलाई गई थी सारी. अट्रैक्शन इज नॉट ऑल अबाउट लुक्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू स्पीक एंड तुम्हारा नेचर कैसा. बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है अट्रैक्शन. तो हाँ अट्रैक्टिव कुछ लोग लगे थे पर मुंह खुलते ही फिर अट्रैक्टिव नहीं लगते कुछ लोग. तो वो फर्क है बाद में. Why you didn't have any connection while Yuvraj has its connection with Shobhika? क्योंकि यार शोभिका ने मुझे बैंड दिया था लेकिन मुझे उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना था तो मेरा कनेक्शन नहीं था. अब ये फिल्टर कहाँ से चालू हो गया है और बंद कैसे होता है. मैंने युवराज को बोला था शोभिका के साथ कनेक्शन बनाने के लिए. उसको लाइव बुलाऊंगा तो पूछ लेना. नहीं लोग लिख रहे हैं यार तुम बोल रही हो कि डोंट बी मैड इफ दे आर नॉट शोइंग. आई एम नॉट मैड. मुझे गुस्सा तुम लोग की बातों से आता है जो मुझे टेक्स्ट करते हो कि तुम शो में कुछ बोल के नहीं रहे हो. क्लियरली बता रहा हूँ मैं बोलता हूँ वो पार्ट काट दिया जाता है. तो मैं मुझे इस इन टेक्स्ट से इरिटेशन होती है जो मुझे लोग करते हैं कि आप शो में दिख क्यों नहीं रहे हो या आप शो में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो. भाई मैं बोलता हूँ ये बात नहीं कि मैं बोलता नहीं हूँ. वो दिखाया नहीं जा रहा वो अलग बात है. कनेक्शन कब बनेगा देखते रहो यार. शो स्पिरिट्स वाला में कनेक्शन बहुत चेंज होते हैं लोगों के. आगे चल के देखते जाओ. डिकीला कैसी लगती है आपको. डिकीला स्वीट है बहुत फनी भी है स्वीट है. एड यू वी युवराज अगर लाइव देख रहा होगा तो मैं ऐड कर सकता हूँ. नहीं है तो चलो यार हो गया लाइव. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. मैं निकल रहा हूँ यहाँ से. रिप्लाई नहीं देते आप यार. नहीं खोलता हूँ मैं डीएम्स तो मत किया करो टेक्स्ट. फ्रेंड्स विद दिग्विजय नहीं. दिग्विजय लेकिन बढ़िया बंदा है. मैं शो जब देख रहा हूँ बाहर से क्योंकि यार वहाँ पे हम फुल टाइम सबके आसपास नहीं घूम रहे होते लेकिन कैमरा होते हैं तो जितनी वो बातें बोलता है मेरे को बहुत बढ़िया लगती है. और मेरे को दिग्विजय एकदम सही बंदा लगता है. कहीं गलत नहीं है. हाँ मैंने सुना है टिकीला के साथ क्या हुआ. ये गुस्सा और एटीट्यूड जो दिखा रहा है शो में दिखाता. भाई दिखाया है तेरे को. अगर समझ नहीं आ रहा और तू इतना बड़ा चूतिया है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि शो में वो पार्ट काट दिया गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन तेरे को अगर गुस्सा और एटीट्यूड देखना है तो मैं तेरे को दिखा सकता हूँ. ठीक है आज युवराज ऐड हो जाओ. लोग बोल रहे हैं ऐड यू भी. युवराज हैज डिक्लाइन. जानवी से बात हुई कभी. कौन है भाई जानवी. सनी लियोनी ने क्यों ऐसा बोला यार बुरा लगा. सनी लियोनी ने मजाक में बोली थी वो बात क्योंकि जो पार्ट कट हो गया है वही मैं बता चुका हूँ कि देवांगिनी को जब मैंने मसाज दी थी तो देवांगिनी ने बोला था आयुष्मान के हाथ बहुत सॉफ्ट हैं बहुत डेलिकेट लड़कियों जैसे फील होते हैं. ठीक है और ये बात मैंने भी लोगों को बताई थी. तो सनी लियोनी को जब वैशाली का हाथ लड़कियों जैसा लगा तो उसने पहली सनी लियोनी बोल के गई थी मैम सनी मैम बोल के गई थी कि किसी लड़के को मत भेजना डोंट सेंड एनी बॉयज. और जब उन्हें लगा कि बहुत सॉफ्ट सा हाथ है तो उन्हें लगा आयुष्मान होगा इसलिए उन्होंने हंस के बोला कि आई होप इट्स नॉट आयुष्मान. ठीक है क्लियर. तो कोई बुरा लगाने वाली बातें नहीं है ये सब. मजे आते थे हम लोग को बैठ के मस्ती करते रहते थे सारे. Why aren't you performing? भाई तुम लोग शो देख भी रहे हो ढंग से. जिसको चूज करने का मौके मिल रहा है कितने लोग परफॉर्म करते हैं. 6 लोग परफॉर्म करते हैं मुश्किल से. मेरे को चूज नहीं कर रहे बंदे परफॉर्म करने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उसमें. मेरे हाथ में पावर नहीं दी जा रही है. शो वाले पावर किसके हाथ में दे रहे हैं चूज करने का. जिनके एक्स आए हैं सिर्फ उनको पावर दे रहे हैं. मेरी एक्साई होती मुझे भी पावर मिलती. मैं हर हर चैलेंज परफॉर्म करता.
भाई मेरी एक्स को नहीं बुलाया तो मैं क्या करूं, मेरी कोई एक्स थी नहीं, और जो मतलब कोई थी भी सिचुएशनशिप उसने आने से शायद मना कर दिया, या मुझे नहीं पता कुछ। शो में या तो हर साल स्प्रिटसुला में न्यू कनेक्शंस बनते हैं, इस साल ही हो गया कि एक्साइल 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 एक्सेस आ रहे, एक्सेस आ रहे, और एक्सेस को ही सारी पावर दी जा रही है कि जिसका कोई जो पहले से जिनका रिलेशन था एक एक्स और एक अभी वाला बंदा, उसके हाथ में पावर होगी कि एक 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 साइड स्क्वीज चूज कर। भाई ये क्या नौटंकी है, अगर पावर देनी है सबको बराबर दो, किसी को बायस्ड हो रहे हो कि इसको ज्यादा दे रहे हो उसको कम दे रहे हो, ये वो कौन होता है भाई मेरे को चूज करने वाला, मैं चूज करूं किसी को? ये सब बातें कोई नहीं होती है कि भाई तुम क्यों क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। अबे नहीं मिली मेरे को पावर परफॉर्म करने की, मेरे को चांस एक बार मिला है, मुश्किल से एक दो बार। मैं फालतू सवाल मत किया करो मेरे से। डोंट यू फील बैड अबाउट हाउ दे आर ट्रीटिंग यू बिकॉज इट्स इनटॉलरेबल टू मी? नहीं यार, मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था लोगों का, सब बहुत तमीज से रहते थे। पहले एक दो दिन जो लड़ाई हुई हुई मेरी सिर्फ कशिश से हुई, उसके बाद मेरे को किसी ने कोई ऐसा बुरा ट्रीटमेंट नहीं दिया। फर्स्ट डे जो बातें बोल दी बोल दी, उसके बाद दोस्ती ठीक भी हो जाती है लोगों से, तो ऐसे कोई बुरा ट्रीटमेंट नहीं था, मैं बहुत खुश था वहां पे। ठीक है, बस मैं मेरी तबीयत खराब थी तो वो एक ड्रॉबैक था मेरे लिए। वही जो फेक अकाउंट आके मेरे को मैसेज करते हो ना, वो रियल अकाउंट से आया करो, मेरे को फेक अकाउंट के मैसेज ना बिल्कुल पसंद नहीं आते। ठीक है, या तो अपना इतना गूदा रखो कि जो बोलना चाहते हो अपने रियल अकाउंट से बोलो, या तो मत बोला करो, क्योंकि यार बहुत आसान होता है बाहर बैठ के किसी को जज करना। ठीक है, आज हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए खेल रहा है, कोई बैठ के चूतिए बाहर से बोलते रहते हार्दिक पांड्या ये हार्दिक पांड्या हुआ, अबे तुम्हारी क्या औकात है जो हार्दिक पांड्या को बोल रहे हो? मतलब साले 14-15 साल के बच्चे बताएंगे कि हार्दिक पंड्या क्या है जो अपनी मेहनत से वहां पहुंचा है? तो पहले जज उसी को करना चाहिए जो तुम्हारे से नीचे है। ठीक है, अपने से ऊपर लेवल के बंदे को तुम बाहर बैठ के जहाँ उसके कंडीशंस के बीच में तुम रहे नहीं हो, जो उसने झेला है वो झेला नहीं है तुमने, तुम बाहर से थोड़ा बहुत जान के इतनी सी 1% इन्फॉर्मेशन के साथ बंदे को जज कर लो, वो नहीं चलता है। जितने आए हैं शो में सब जबरदस्त लोग हैं, ठीक है, कोई चूतिया नहीं है, कोई फालतू नहीं है, और सब अपनी मेहनत से आए हैं, कुछ ना कुछ थे, कुछ पर्सनालिटी थे, कुछ करके आए हैं, इसलिए वहां पे खड़े। कोई छपरी आके बता देगा कि ये ऐसा वो ऐसा, अपना मुंह बंद रख के बैठा करो। देव के साथ लाइव करूंगा मैं, युवराज डजंट फॉलो यू करता है भाई मेरा। आ जाए युवराज, कहाँ है? रुको मैं कॉल करता हूँ युवराज को। युवराज नहीं आ सकता क्योंकि वो अपनी दादी के साथ है। लोग गुस्सा ला रहे हैं, व्हाट टू डू, स्पिरिचुअल जर्नी जैसे मर्जी गुजरे, हु द हेल आर यू? विल वी सी यू एंड विद एनी गर्ल, और विल यू ओनली बी स्टैंडिंग इन एवरी एपिसोड लाइक अ मैनिक्विन? आई रियली वॉन्ट टू सी यू मोर ऑफन ऑन द शो। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ना यार उसमें, इफ यू वॉन्ट टू सी मी मोर ऑफन ऑन द शो तो स्प्रिट्सविला जो है ना, स्प्रिट्सविला एमटीवी स्प्रिट्सविला, उसको ईमेल कर दो तुम लोग,
कि हम लोग आयुष्मान को देखना चाहते हैं तो उसको आप लोग ज्यादा दिखाओ, क्योंकि इसमें मैं कोई फर्क नहीं ला सकता हूँ। आई थिंक वो फेवरेट कंटेस्टेंट। थैंक यू एवरीवन। देखो यार, मेरे को किसी से कोई बीफ नहीं है, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस बोल रहा हूँ कि थोड़ा लॉजिक लगाया करो जब कोई सवाल पूछते हो, ठीक है? तुम्हारी भी गलती नहीं है, लेकिन मेरे को डेली डेली मैसेज नहीं आने चाहिए कि भाई और तुम दिख क्यों नहीं रहे हो या तुम बोलते क्यों नहीं हो। तुम्हें क्या पता भाई मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं। वो शो में जितना दिखाया जा रहा है, शो में तुम्हारा बोलना क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ये तुम पूछ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वो तो भाई 24 घंटे में से 1 घंटे का एपिसोड दिखाया जाता है ना, दिन तो हम 24 घंटा बिताते थे वहां पे। हेटर्स गोना हेट, हू केयर्स। तो यही बोलना था यार मेरे को आज की लाइफ में, इतना ही मुझे बोलना था। अब जितना मुझे बोलना था मैंने बता दिया है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा, इसके एडिट बना के डालना, डालो जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, बहुत अच्छा लगा, सारे कमेंट्स पॉजिटिव है। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, तुम लोग समझ रहे हो वो बढ़िया बात है। बस किसी को ये पता नहीं था अभी तक कि मेरा बोलना क्यों नहीं दिखाया जा रहा था, तो वो मैंने आके आज लाइव में क्लियर कर दिया, ताकि तुम लोग को ये ना लगे कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ या मेरी कोई आवाज़ नहीं है या मैं शांति से बस खड़े रहने के लिए आया हूँ। मैं सबको पिच करता हूँ, हर बार चैलेंज से पहले मैंने पिच किया है कि भाई मेरे को चैलेंज परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक मुझे नहीं मिला है। और सबसे ज़्यादा मुझे एक चुल होती थी परफॉर्म करने की, ताकि मैं एक बार सेफ साइड पर जाऊँ और फिर मुझे भी मौका मिले कि भाई लोग मेरे पास आके फिर पिच करें कि हाँ भाई आयुष्मान मुझे बचा लेना और ये वो, ठीक है? तो हर किसी को होती है, लेकिन पिच सिर्फ उनकी सुनाई जाती है जो आज परफॉर्म करने वाले हैं। हमारे एक्सेस के बारे में स्पिरिट्सुला वालों को कैसे पता चला? तो ऐसी बात है कि ऑडिशन में स्पिरिट्सुला वाले पूछ रहे थे हमसे टीम कि आपकी लाइफ में डेटिंग हिस्ट्री बताओ अपनी, कौन एक्स थी, उसकी आईडी दिखाओ, ये वो ये वो। हमें लगा जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन थी आपकी एक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूछते हैं एक्स कौन थी और उसको बुला लेते हैं हमें बिना बताए, विदाउट आर कंसेंट। तो भाई लोगों के तो ट्रॉमा का वो बनाया गया कंटेंट, वो अलग बात है, ठीक है? मेरी आती है एक्स तो बढ़िया रहता, मुझे भी लग रहा है। मेरी एक्स वैसे थी नहीं कभी, मैं सिंगल ही था, लेकिन सिचुएशनशिप जो थी वो आती तो बढ़िया रहता। मुझे पता चला था शो से पहले कि मेरी सिचुएशनशिप जो एक थी उसको भी पूछा गया था स्पिरिचुअल के लिए, लेकिन मुझे लगा था ऐसे ही पूछ लिया है। मुझे नहीं पता था कि ये शो ही पूरा एक्सेस के ऊपर होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं उसको आने के लिए हाँ बोल देता हूँ। ब्रो यू आर गुड लुकिंग इनफ टू बिकम एन एक्टर, फक स्पिरिचुअल। यार मुझे पता है ये बात, स्पिरिचुअल इट्स जस्ट द बिगनिंग, इट्स जस्ट द स्टार्ट। मैं अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज मुझे आगे से आती है उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ, आई ऑलवेज ग्रैब देम। तो ये मत सोचो कि करियर मेरा यही एंड हो गया, आगे बहुत चीज़ें चलनी है अभी। आई एम वेरी यंग, ठीक है? ये क्या आ गया, आगे बहुत जगह दिखने वाला हूँ मैं। आई नो आई एम द हॉटेस्ट गाय इन द ब्लॉक। थैंक यू यार। तुम बोल रहे हो ना कि यू डिजर्व वर्क इन मूवी सीरियल्स, मुझे ऑलरेडी आ रहे हैं ऑफर्स मूवीज के, सीरियल के, मॉडलिंग के, इंटरनेशनल मॉडलिंग के, सब आ रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉस ये स्प्लिट सलाह में अगर मैं बकवास करता ना, छपरी जैसे गालियां देता हूँ, तो करियर पे भी एक इफेक्ट पड़ता है। तुम्हारी एक पर्सनैलिटी, तुम्हारी जो इमेज आती है लोगों के सामने, कि तुम जो अगर कोई अच्छा रोल कभी मूवी में मिलने वाला, और स्प्लिट्स वाला में तुम्हारा एक इमेज छपरी वाली बन चुकी है, तो तुम्हें वो अच्छा वाला रोल नहीं मिलेगा कभी मूवी में आगे। तो भाई स्प्लिट्स वाला ही लाइफ नहीं है ना, लाइफ में आगे भी बहुत चीजें हैं, ठीक है? एक फैमिली का नाम भी होता है शहर में, कभी कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को लोग जानते हैं, तो तुम नहीं चाहोगे कि बाहर जहाँ तुम नेशनल टीवी पे दिख रहे हो वहां तुम 50 गालियां दो लोगों के सामने कूल बनने के लिए, क्योंकि गाली देने से कोई कूल या सुपीरियर नहीं हो जाता है, ठीक है? कई बार शांत रह के भी अपने अपने पॉइंट रखे जा सकते हैं। हमेशा बोलने वाला ऊपर नहीं होता है, बोलने वाला बड़ा नहीं होता है, और माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता है।
चलो यार, तो यही मेरा लाइव आज एंड करते हैं। बहुत बढ़िया लगा, और अब मैं निकलता हूँ।